हेलो ऑल ऑफ यू। अभी कुछ समय पहले मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, मैम ये धात रोग या धातु रोग क्या होता है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इससे क्या हमें शारीरिक कमजोरी आ जाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स के बाहर आपने देखा होगा, गली के बाहर आपने देखा होगा कि धातु रोग का इलाज होता है। ये क्या है, क्या ये प्रॉब्लम है, घर पे कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्शुअल काउंसलर हूँ और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि सेक्शुअल हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा सही गाइडेंस मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि बहुत सारी और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि धातु रोग क्या होता है। बहुत बार जब मेल पार्टनर अपने पेनिस से यूरिन करता है या फिर मोशन पास करता है तो एक चिपचिपा गीला सा पदार्थ उनके लिंग से निकलता है जिसे हम धात कहते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ बहुत बार सेक्स करने के जस्ट बाद आपे फील होगा, यूरिन करते समय आपको लगेगा कि कुछ चिपचिपा सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा है, बार बार आप मोशन जाएंगे तो आपको लगेगा कि पास हो रहा है और आपको लगता है कि हाय मेरा तो वीर्य चला गया, मेरा तो स्पर्म क्वांटिटी अब कम हो जाएगी, मेरा तो सिमेन खराब हो जाएगा, अरे मैंने ये क्यों किया है, अब तो मैं फॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा, और वो डर जाते हैं। धात कोई रोग जैसा नहीं है। धात को हम रोग की क्लासिफिकेशन तब दें जब इससे कोई नुकसान है, जो आपका जो ये वाइटिश पदार्थ है ये आपका सीमेन या स्पर्म नहीं है। ये क्या है इसे समझेंगे। बहुत बार हमारे जो सीमेन है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है। धात रोग के समय जब हम बहुत ज़्यादा जिसको हम क्लासिफाई करते हैं कि वो धात रोग है, तो जब आप यूरिन में जोर लगाते हैं तो कभी कभार हमारी नर्व्स जो प्रोस्टेट ग्लैंड से है वहाँ से थोड़ा सा उसका जो डिस्चार्ज है वो निकल जाता है, लेकिन ये आपका वीर्य बिल्कुल नहीं है। इससे आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, आपको समझना है कि ये ओके है और इसके पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ा सा पस निकल जाए या आपके मोशन के रास्ते से थोड़ा सा म्यूकस निकल जाए, और वो कम्प्लीटली ओके है। उससे डरे नहीं, घबराए नहीं कि हाय मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया है, धात रोग जैसा, डॉक्टर के पास भागने जैसा, दवाई लेने जैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। घबराना नहीं है, आपकी बॉडी से किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं निकल रहा है। अच्छे सेक्स को परफॉर्म करने की सिर्फ एक ही लिंक है, वो है मेंटली हैप्पी और रिलैक्स्ड रहना। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मेरे स्टेप को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता जल्दी से एक और वीडियो लेकर आऊंगी, और आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं वीडियो बनाऊं कमेंट सेक्शन में लिख दें।